Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, welcome to Khalsa Little Flower School Learn From Home program. Today, I am going to teach you science, lesson 10, Our Universe. So, are you ready, kids? Let's begin. In this chapter, you will learn about stars, planets, solar system, difference between planets and stars, movements of the earth, rotation and revolution. Kids, when we look up into the sky during the day, we see the sun. दिन में जब हम sky में देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? Sun दिखाई देता है, right? We feel that the sun is moving around the earth. और हमें क्या लगता है कि sun जो है, वो earth के आसपास घूमता है. However, it is the earth that is moving around the sun. पर ऐसा नहीं है, sun earth के आसपास नहीं घूमता है. पर जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है. आवर प्लैनेट द अर्थ हैज 7 नेबर्स. और हमारा जो प्लैनेट है, जो अर्थ है, उसके 7 नेबर्स भी है. जैसे कि हमारे आसपास भी लोग रहते हैं ना, इस तरह से अर्थ के भी 7 नेबर्स है. टुगेदर दे मेक अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स विच ट्रैवल अराउंड द सन. और सब मिलके एक फैमिली बनती है 8 प्लैनेट्स की. जो 8 प्लैनेट्स है वो सन के आसपास घूमते हैं गोल गोल. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स बिलोंग टू द फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम. तो जो सन है और जो 8 प्लैनेट्स है, तो ये जो फैमिली से बिलोंग करते हैं उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है. लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर इन टू द स्पेस. तो चलिए अभी हम स्पेस में घूमने जाते हैं. किड्स, क्या आपको पता है, अंटिल 2006 प्लूटो वॉज द 9th प्लैनेट, बट नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स प्लैनेटरी स्टेटस एंड इज कंसिडर्ड ओनली अ ड्वार्फ प्लैनेट. किड्स, 2006 तक प्लूटो को एक 9th नंबर का प्लैनेट माना जाता था. पर ये प्लैनेट जो है वो अपनी ग्रह की स्थिति को खो चुका है, तो अभी बस उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में ही कंसिडर किया जाता है. Now kids, how did the solar system form? ये जो solar system है, वो कैसे form होती है? Let's see. Many astronomers think that everything in the universe was once packed together in one small lump. तो kids, हमारे कुछ astronomers ऐसा सोचते हैं कि ये जो हमारे universe में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, उन्हें एक थैले में पैक किया गया. Then about 15 billion years ago, there was an explosion. और 15 billion years पहले एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ. A huge cloud of gases was formed. और उसमें से gases के बड़े बड़े से clouds बन गए. The hottest and biggest part of the cloud became the sun. तो उसमें से जो सबसे hottest और जो biggest cloud था, वो sun हो गया. And the cooler and smaller parts of the cloud formed the other 8 planets, their satellites and other heavenly bodies. और बाकी के जो smaller clouds थे और जो cooler clouds थे, उसके 8 planets बन गए, कुछ उनके satellites बन गए और कुछ heavenly bodies बन गई. Now kids, what are planets? Planets किसे कहा जाता है? Planets are heavenly bodies that move around the sun. ये जो हीवनली बॉडीज है जो सन के आसपास घूमते हैं, उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड गैसेस. और ये जो प्लैनेट्स है वो रॉक्स और गैसेस के बने हुए हैं. दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. और इनके पास इनकी खुद की लाइट्स नहीं है. दे मूव ऑन अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन कॉल्ड ऑर्बिट. और ये जो प्लैनेट्स है वो एक फिक्स्ड पाथ पर, एक फिक्स लाइन पर सन के आसपास गोल गोल घूमते हैं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है. द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखने जाए, तो मर्क्यूरी जो है वो सन के बहुत ही पास वाला प्लैनेट है. जो फर्स्ट प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है. जो सेकंड प्लैनेट है उसे वीनस कहा जाता है. जो थर्ड प्लैनेट है वो अर्थ है. फोर्थ पर मार्स है. देन फिफ्थ पर है जुपिटर. सिक्स जो प्लैनेट है वो सैटर्न है. सेवन जो प्लैनेट है यूरेनस. एंड जो 8 नंबर का लास्ट प्लैनेट है वो नेपच्यून है.
और किड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2016 तक प्लूटो नाम का एक नाइन्थ प्लैनेट भी था, पर अभी ये प्लूटो को प्लैनेट के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है, उसे सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में ही कंसिडर किया जाता है। तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो किड्स, अभी आप ये प्लैनेट्स के नेम कैसे याद रखोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फर्स्ट प्लैनेट है, कौन सा सेकेंड है, कौन सा थर्ड है? तो उसको याद रखने की भी एक ट्रिक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स ऑफ दिस सेंटेंस हेल्प यू रिमेम्बर द प्लैनेट्स इन ऑर्डर। आपको अगर ये प्लैनेट्स के नेम्स ऑर्डर में याद रखने हैं तो आपको सिर्फ उनके आगे के जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है उनको याद रखना पड़ेगा। तो उसे याद रखने की एक ट्रिक है, सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड लास्ट एन फॉर नेपच्यून। तो किड्स, अभी आपको याद रहा, सिर्फ एक ही लाइन आपको याद रखनी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नाउ किड्स, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। जैसे कि आप सन से डिस्टेंस देख रहे हो तो जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है उन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, जो सन के पास है। एंड द लास्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड गैस जायंट्स। और जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स है जो सन से दूर है उन्हें गैस जायंट्स कहा जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स आर गिवन बिलो। जैसे कि आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हो, यहाँ पर सारे प्लैनेट्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। लेट्स सी अबाउट मर्क्यूरी, अ ग्रे प्लैनेट, इट मूव्स वेरी फास्ट, इट्स सरफेस इज बेयर एंड रॉकी। तो किड्स, मर्क्यूरी जो है वो एक ग्रे कलर का प्लैनेट है और ये बहुत ही फास्ट घूमता है, और ये मर्क्यूरी की जो सरफेस है वो बहुत ही उज्जड़ है और चट्टान वाली है। सेकेंड इज वीनस, इट इज ऑफ क्रीम कलर एंड इट्स सरफेस इज वेरी हॉट। ये क्रीम कलर का है और इसकी जो सरफेस है वो बहुत ही हॉट है, बहुत ही गर्म है। नेक्स्ट इज अर्थ, द प्लैनेट दैट लुक्स वाइट एंड ब्लू ड्यू टू वाटर एंड क्लाउड्स। यस, आपको पता है ना, ये जो अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये प्लैनेट वाइट और ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि इसकी सरफेस पर वाटर एंड क्लाउड्स है इसीलिए। नाउ नेक्स्ट इज मार्स, अ रेड ऑरेंज प्लैनेट, इट वंस हैड रिवर्स। क्यूरियोसिटी, अ नासा स्पेस रोवर वॉज सेंट टू इट इन 2011, इट लैंडेड इन 2012। मार्स जो है वो रेड ऑरेंज कलर का प्लैनेट है और इसके ऊपर पहले रिवर्स हुआ करती थी। एंड क्यूरियोसिटी करके नासा का एक स्पेस रोवर था जिसे 26 नवंबर 2011 में यहाँ से लॉन्च किया गया था और वो मार्स पर 6 अगस्त 2012 में लैंड हुआ था। नेक्स्ट इज जुपिटर, इट हैज़ अ रेड ऑरेंज बैंड, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट, इट हैज़ 63 सैटेलाइट्स। किड्स, जो जुपिटर प्लैनेट है उसके ऊपर रेड ऑरेंज कलर के बैंड्स है और वो बिगेस्ट प्लैनेट है और इसके 63 सैटेलाइट्स है। नेक्स्ट इज सैटर्न, अ हेजी येलो प्लैनेट, इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स। ये येलोइश प्लैनेट है और उसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग्स है। इट इज़ द लाइटेस्ट प्लैनेट एंड विल फ्लोट इन वाटर। ये बहुत ही लाइट वेट प्लैनेट है। नेक्स्ट इज यूरेनस, अ लाइट ब्लू प्लैनेट, बोथ इट्स पोल्स पॉइंट टूवर्ड्स द सन। यूरेनस जो है वो लाइट ब्लू कलर का प्लैनेट है और उसके जो दोनों पोल्स है वो सन की तरफ ही है। नाउ लेट्स सी अबाउट नेपच्यून, अ ब्लू प्लैनेट, वेरी फास्ट विंड्स ब्लो हियर। ये एक ब्लू कलर का प्लैनेट है और उसके ऊपर बहुत ही फास्ट विंड्स, बहुत ही फास्ट हवाएं चलती है। किड्स, द
Did you know Mercury travels 100 times faster than a Concorde? Jupiter is the fastest spinning planet in our solar system. Kids, जो Mercury planet है वो Concorde करके जो aircraft आता है उससे भी 100 times 100 गुना fast चलता है. एंड जुपिटर जो है वो एक फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. जो बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा फास्ट वो स्पिन होता है. नाउ किड्स, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स. मोस्टली जो प्लैनेट्स है सबके ही खुद के सैटेलाइट्स है. अ सैटेलाइट इज अ हीवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. और सैटेलाइट एक हीवनली बॉडी है जो हमारे प्लैनेट के आसपास घूमती है. जो प्लैनेट्स है वो सन के आसपास घूमते हैं और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं. इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन और इनकी भी खुद की लाइट्स नहीं होती है. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ और जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून और मून पर ना ही एयर है ना ही वाटर है. हेंस देयर इज नो लाइफ ऑन इट्स टू. तो इसीलिए मून पर भी लाइफ नहीं है. इट शाइन्स एज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन. और ये शाइन क्यों करता है? क्योंकि इसके ऊपर सन की जो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है इसी वजह से ये शाइन होता है. इट हैज नो एटमॉस्फियर एंड दस नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट और कोल्ड. और मून के ऊपर भी एटमॉस्फियर का लेयर नहीं है तो इसीलिए वहाँ पर एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड मशीन्स सेंट इनटू स्पेस टू ऑर्बिट अ प्लैनेट. और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं जिन्हें यहाँ से बना के स्पेस में छोड़ा जाता है और वो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं. दे हेल्प टू स्टडी स्पेस फोरकास्ट वेदर एंड इन कम्युनिकेशन. तो ये जो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं वो हमें स्पेस की फोटोग्राफ्स लेने में, उसकी स्टडी करने में, फिर वेदर जानने में और कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू गो इनटू स्पेस वाज स्पुटनिक 1 एंड आर्यभट्टा वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया था वो स्पुटनिक 1 था और जो आर्यभट्ट करके सैटेलाइट था वो इंडिया का सबसे पहले भेजे जाने वाला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था. नाउ किड्स, हाउ आर प्लैनेट्स एंड स्टार्स डिफरेंट? प्लैनेट्स और स्टार्स किस तरह से डिफरेंट है? लेट्स सी. प्लैनेट्स आर मच स्मॉलर देन स्टार्स. ये जो प्लैनेट्स है वो स्टार्स से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. स्टार्स आर अ सोर्स ऑफ लाइट सो दे ट्विंकल एट नाइट एंड आर फिक्स्ड. ये जो स्टार्स होते हैं वो लाइट का एक सोर्स है इसीलिए वो रात में चमकते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं, वो एक ही जगह पर होते हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट और प्लैनेट्स की खुद की लाइट्स नहीं है इसीलिए जब भी हम स्काई में देखते हैं तो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं पर बाकी कोई भी और प्लैनेट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. दे नेवर ट्विंकल. प्लैनेट्स कभी भी चमकते नहीं है. दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. प्लैनेट्स के ऊपर सिर्फ सन की लाइट का ही रिफ्लेक्शन होता है. प्लैनेट्स आर नॉट फिक्स्ड एंड रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स जो है वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, वो सन के आसपास घूमते ही रहते हैं. दिस इज व्हाट हेल्प्स एस्ट्रोनॉमर्स टू नो इफ अ हीवनली बॉडी इज अ स्टार और अ प्लैनेट. तो इससे एस्ट्रोनॉमर्स को पता चल जाता है कि कोई भी हीवनली बॉडी है तो वो स्टार है कि वो प्लैनेट है. एंड स्टार्स आर ओनली मेड ऑफ गैसेस. ये जो स्टार्स होते हैं वो सिर्फ गैसेस के ही बने होते हैं. नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट द अर्थ. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ. सोलर सिस्टम में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है कि जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है. बट द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. पर अर्थ इससे पहले ऐसा नहीं था. In the beginning, it was just a huge ball of dust and hot gases. शुरुआत में तो ये एक बहुत ही बड़ा बॉल जैसा था जिसके ऊपर सिर्फ डस्ट और हॉट गैसेज ही थी. As it kept spinning, the gases cooled down and the surface of the earth became cold and hard.
तो जैसे जैसे ये स्पिन होता रहा, जैसे जैसे ये घूमता रहा, तो इसके ऊपर की जो गैसेस थी वो सारी कूल हो गई और इसकी जो सरफेस थी वो भी हार्ड और कोल्ड हो गई। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के कितने लेयर्स है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। लेट्स सी व्हाट इज क्रस्ट। द आउटर सॉलिड लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट ऑन विच वी लिव। ये जो सरफेस पर अभी हम रहते हैं, जो आउटर सॉलिड लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है। सेकेंड लेयर इज मेंटल। बिलो द क्रस्ट इज अ थिक लेयर ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेंटल। ये क्रस्ट के नीचे एक थिक लेयर है रॉक्स का, जिसे मेंटल कहा जाता है। एंड द थर्ड लेयर इज कोर। जो तीसरा लेयर है उसे कोर कहा जाता है। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट एंड इज कॉल्ड द कोर। जो अर्थ का सेंटर है वो बहुत ही हॉट है और उसे कोर कहा जाता है। द इनर कोर इज अ बॉल ऑफ हॉट सॉलिड मेटल एंड द आउटर कोर इज मेड ऑफ थिक लिक्विड मेटल। तो किड्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि कोर के भी दो पार्ट्स है, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो जो इनर कोर है वो बहुत ही हॉट और सॉलिड मेटल का बना हुआ है और जो आउटर कोर है वो थिक लिक्विड मेटल का बना हुआ है। डीप बीनीथ द क्रस्ट इज मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। और उसके डीप में जो मेल्ट हो चुके रॉक्स है उसे मैग्मा कहा जाता है। Sometimes the magma is forced out through the cracks on the earth and is called lava. तो kids, आपने लावा निकलता देखा है ना? तो क्या होता है कि जब अर्थ के ऊपर cracks होती है और force की वजह से ये जो magma है वो सारा बाहर निकल जाता है, तो जिसे हम लावा कहते हैं। Such an eruption is called a volcano. और ऐसे eruptions को हम volcano कहते हैं। Kids, यहाँ पर एक activity भी दी गई है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अर्थ के लेयर्स होते हैं। अ सिंपल एग कैन वेल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। एक सिंपल एग का जो स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम अर्थ का स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। टेक अ फुल बॉइल्ड एग। आपको एक बॉइल्ड एग लेना है। कट इट इंटू टू हाफ्स। आपको दो हाफ्स में उसको डिवाइड करना है। द शेल रिप्रेजेंट द क्रस्ट। तो ऊपर का जो शेल होता है उसे क्रस्ट कहा जाता है। द हार्ड एग वाइट इज द मेंटल। और जो वाइट कलर का आपको एग में पार्ट दिख रहा है उसे हम मेंटल कहेंगे और जो उसका बीच का येलोइश पोर्शन है उसे हम कोर कहेंगे। तो यस, इससे आपको पता चल गया ना कि किस तरह अर्थ के लेयर्स होते हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है वो क्रस्ट होता है जिसके ऊपर हम रहते हैं। सेकेंड लेयर मेंटल होता है जिसमें रॉक के थिक लेयर्स होते हैं। एंड जो थर्ड लेयर होता है उसे कोर कहा जाता है, जिसमें आउटर कोर और इनर कोर होता है और जिसमें सॉलिड और लिक्विड मेटल होता है। ओके किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद मूवमेंट ऑफ द अर्थ। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।